इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सुपर 100 के बाद अब बात इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की। साजिश का पर्दाफाश हुआ है, पहलवान पुलिस के शिकंजे में आ चुका है। आपको बता दें कि गाजियाबाद में मारपीट की घटना को धार्मिक रंग देने वाले सपा नेता उमेद पहलवान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उमेद पहलवान को दिल्ली में LNJP अस्पताल के पास से गिरफ्तार किया गया। गाजियाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उमेद पहलवान को अरेस्ट किया है। उमेद पहलवान पर अब्दुल समद पिटाई मामले में धार्मिक भावनाएं भड़काने और दंगे की साजिश रचने का आरोप है। उमेद ने ही अब्दुल समद की पिटाई के बाद उसके साथ फेसबुक लाइव किया था और पूरे मामले को सांप्रदायिक रंग देने की पूरी कोशिश की गई थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गाजियाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बुजुर्ग की पिटाई के मामले में उमेद पहलवान की गिरफ्तारी दिल्ली के LNJP अस्पताल के पास से की है। हम इस समय LNJP हॉस्पिटल के बाहर मौजूद है। लगभग दोपहर 1 बजे उमेद पहलवान की गिरफ्तारी यहां से की गई है। स्विफ्ट कार के अंदर जो है वो उमेद पहलवान था, खुद ड्राइव कर रहा था। बताया जाता है कि जो उमेद पहलवान है वो तुर्कमान गेट में अपने किसी रिश्तेदार से मिलने आया हुआ था। जिस तरीके से लगातार गाजियाबाद पुलिस उसको ढूंढ रही थी, कई जगह रेड्स की गई थी, उसका पता ठिकाना नहीं मिल रहा था। उसके बाद आज जो है वो उमेद पहलवान की गिरफ्तारी LNJP हॉस्पिटल के पास से हुई है। उमेद पहलवान के ऊपर आरोप है कि उसने एक साजिश के तहत जो एक पूरा षड्यंत्र रचने की कोशिश की। जिस तरीके से बुजुर्ग की पिटाई का मामला था उसके अंदर बकायदा फेसबुक लाइव किया था, धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप जो है वो भी उमेद पहलवान के ऊपर है। अब जब गाजियाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उमेद पहलवान की गिरफ्तारी दिल्ली से की है, उसको यहां से गाजियाबाद लेकर जाया गया है और अब से कुछ देर बाद उसे गाजियाबाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। उमेद पहलवान लगातार फरार चल रहा है और उसकी तलाश में आपको बता दें कि गाजियाबाद पुलिस की 5 टीमें ताबड़तोड़ छापेमारी भी कर रही थी और बहरहाल उनकी जो तलाश है वो पूरी हुई और आखिरकार वो पुलिस के हत्थे चढ़ा। कैसे गिरफ्त में आया उमेद पहलवान, गाजियाबाद के SSP अमित पाठक ने बताया, सुनिए। गाजियाबाद पुलिस की टीम के द्वारा उमेद पहलवान नाम के शख्स की गिरफ्तारी दिल्ली में लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल के पास से की गई है, जो अभी तक सूचना मिली है। और वहाँ गिरफ्तारी के बाद फिर गाजियाबाद लाया जाएगा और फिर उनसे आगे की पूछताछ। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ अतुल भाटिया, संजय शाह और कुमार सोनू हमारे तीनों ही संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, मैं पहले आपके पास आना चाहूंगी। गाजियाबाद लाया जा रहा है, कितना वक्त लगेगा, कब तक पहुंचेगा? जी ज्योत्सना, उमेद पहलवान को गाजियाबाद लाया जा चुका है। गाजियाबाद की क्राइम ब्रांच टीम और सीनियर पुलिस ऑफिसर्स उससे पूछताछ कर रहे हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि इस पूरी साजिश में और किन किन लोगों का शामिल होने की आशंका है, उसका पड़ताल कर रही है पुलिस। चूंकि ये सिर्फ ताबीज को लेकर 2 लोगों में विवाद हुआ और मारपीट की गई, जिसको उमेद पहलवान ने एक सांप्रदायिक रंग देने की पूरी तरीके से कोशिश किया और लगातार इसको फेसबुक लाइव करता रहा ताकि इसको किसी भी तरीके से माहौल को खराब किया जा सके। पुलिस ने इस मामले में 5 तारीख को ही मामला दर्ज कर लिया था और इसमें अब तक 9 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, लेकिन उमेद पहलवान के खिलाफ 16 जून को मुकदमा दर्ज किया गया और उस दिन भी जब पुलिस गाजियाबाद में मुकदमा दर्ज कर रही थी उस वक्त भी उमेद पहलवान अनूप शहर यानी बुलंदशहर के अनूप शहर में वहां पर बैठ के फेसबुक लाइव करके माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था। और जैसे उमेद पहलवान की बात की जाए तो उसे पूछताछ हो रही है, क्या आप हमें विस्तार से बता सकते हैं क्या क्या सवाल जवाब किए जा रहे हैं और किन किन लोगों के नामों का खुलासा हो सकता है, क्योंकि ये साजिश बहुत बड़ी थी? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो सूत्रों से हमें खबर मिल रही है वो ये है कि अभी कोर्ट में पेश किया जाएगा जहां से उमेद पहलवान की रिमांड मांग सकती है गाजियाबाद पुलिस और उसके बाद उसके तमाम पूछताछ की जाएगी। सबसे बड़ी बात ये कि क्या वो अकेला ही इसमें शामिल था या फिर कहीं से कोई आदेश उसे मिला हुआ था या व्हाट्सएप ग्रुप जो जितने भी उसके मोबाइल फोन में थे वो तमाम को व्हाट्सएप ग्रुप को स्कैन करेगी गाजियाबाद पुलिस, उन तमाम ग्रुप में कौन कौन सदस्य है और इस पूरे मामले को लेकर किस ग्रुप में जो है उमेद पहलवान ज्यादा एक्टिव था
तो ये तमाम अभी उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उनको भी उनकी भी पहचान करके उनको भी पूरा स्कैन किया जाएगा। अतुल भाटिया, बताया ये जा रहा है कि उसके व्हाट्सएप मैसेज के जरिए ही उसे ट्रैक किया गया, ट्रेस किया गया। जब उसकी गिरफ्तारी हुई उस वक्त वो अकेला था या कुछ और लोग भी उसके साथ मौजूद? देखिए ज्योत्सना, जो गिरफ्तारी हुई उम्मीद पहलवान की, वो LNJP हॉस्पिटल के बाहर से हुई है। स्विफ्ट कार के अंदर था, खुद ड्राइव कर रहा था, उसकी खुद की स्विफ्ट कार थी जिसको वो ड्राइव कर रहा था। पुलिस टीम को लोकेशन जो है वो मिल चुकी थी, कई जगह रेड्स की गई थी इससे पहले भी, नोएडा में कई ठिकानों पर रेड्स की गई थी उम्मीद पहलवान के, इसके अलावा गाजियाबाद में कई जगह रेड्स की गई थी, लेकिन उसने अपना ठिकाना जो है वो इस समय दिल्ली बना लिया था। गाजियाबाद क्राइम ब्रांच की इस बात की इन्फॉर्मेशन थी कि वो दिल्ली में LNJP के बाद ही। और क्या बड़ी साजिश थी इसके पीछे और कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे पता चल पाएगा, हालांकि कोर्ट में भी पेश करना है। फिलहाल आप तीनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी तमाम अपडेट्स के लिए। महंगे पेट्रोल पर क्यों भिड़े शिवसेना और बीजेपी, पूरी खबर एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए India TV YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें India TV के साथ।